कौन कौन से तत्व होते हैं? फिर कोमन तत्व आकाश, फिर मन आत्मा काल दिशा का कौन कौन से उनके वो होते हैं, क्या उनमें गुण गुण? गुणात्मक वर्णन हो गया था, और उसके बाद जो है हम मूलाधार स्वादिष्ठान जो है उनकी स्थिति शरीर में कहाँ कहाँ है, राइट और फिर जो एक वो आपने वो भेजा था उसका उपरने का ऊपर से। हाँ हाँ, ये मेरे पीछे जो है इमेज, हाँ यही हाँ है जी इमेज। यही तो ये इमेज जो है वो रेशो प्रोपोर्शन में बस हमें ध्यान रखनी है, और इसी इमेज को हमें ड्रॉ करने का वो रखना है प्रैक्टिस। मैं आपके लिए ना एक सेकंड एक वो भी शेयर कर देता हूँ। कल मैंने आपने बताया था कि आप जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जी ऑटिस्टिक बच्चों को इसी पे उंगली फिराने के लिए बोलते हैं। राइट तो हमारी अभी करंट में एक ऑटिस्टिक बच्ची आरना पटेल करके है लंदन में, एटी एटी 70-80% हील हो गई है पूरी। अभी ये चीजें कल हमने उसको ऐड कर दिया, और ये बोला है कि जरा ये और करो, तो देखते हैं कि उसकी स्पीड, क्योंकि हमारा था कि ये लगभग लगभग कोई अभी 1.5 महीना और लेगी बच्ची। बोल नहीं पाती थी तो वाणी ग्रह की बस्ती थी, तो वो बोलना आ गया, डैडी मम्मी पापा दादा दादी वो बोल लेती है अब। पहले कुछ नहीं बोलती थी, बस साउंड क्रिएट करती थी। पहले जब आई थी तो करती थी, मेरे चैम्बर में आई तो टेबल पे चढ़ गई, यहां से कूदने में फियर महसूस होता था तो चेयर पे चढ़ गई, ये वो मतलब 1 सेकंड के लिए वो रुकती नहीं थी। और कभी उसने आंखें ऊपर, आंखें नीचे रहती थी, गर्दन झुका के ऐसी, कभी आई कांटेक्ट नहीं करती थी। तो अभी वो सारे वापस आ गई थी, अभी वो वहां के प्ले स्कूल में भी जाने लगी थी। अभी अच्छा ये कल से ऐड कर दिया, तो इसका मिनिमम कितनी बार उसकी मम्मी और कौन सी उंगली से उसको कराए? मैंने तो यही उंगली बताई हाँ, ये ठीक है, और बोला है कि उसकी मम्मी का अभी उसे ऐसे पकड़ के और ऐसे जाना है आपको। एक दूसरा ये पूछना था कि मैं 49 साल का हो गया हूं, तब से कोई मृत्यु घर में हुई हो तो यज्ञ नहीं हुआ, जैसे आज मृत्यु हुई, अगर मान लिया वो रात में हुई है तो सुबह जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ तब तक हवन नहीं हुआ, या ऐसा कभी कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मुर्दे को रखना पड़ा कि कल सब रिश्तेदार आ जाएंगे सब लेके जाएंगे, ऐसा हुआ तो उस दिन यज्ञ नहीं हुआ, और शाम हो गई गंगा से आते आते तो यज्ञ नहीं हुआ, अदरवाइज तो तब से अब तक हवन हुआ ही है। लेकिन वो आर्य समाजी राइट वाला यज्ञ होता है, अग्निहोत्र जो होता है वो, तो आज मैंने उसमें हम जैसे मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रं तन्नास्व, तो ओम हटा दिया। अब मैंने उसके ऊपर, आपने कहा था कि महामंत्र हो जाता है, तो श्रीम ह्रीम क्लीम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रं तन्नास्व, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें एक वाणिज्य कल्प के मंत्र होते हैं, तो काफी दिन से हम उसको कर रहे ओम को हैं। रिप्लेस करके अगर सिर्फ श्रीम भी बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। केवल श्रीम भी सफिशियंट होता है। श्रीम तो बहुत पावरफुल मंत्र है, कोई श्रीम कोई वो थोड़ी है। मैं यही बता रहा हूं कि भी मैं जहां तक भी आज तक जो कुछ भी विषय प्रवेश कर पाया वो श्रीम की वजह से ही कर पाया, नहीं तो वो भी नहीं होता। पहली चीज यही तो बोली करी थी जिसकी वजह से जो है वो हमारे को ये स्थिति में दिक्कत ही नहीं आई। तो बड़ा फर्क होता है चीजों के हिसाब से ना। मैंने जब इसको देखा था तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारे जितने भी मंत्र थे ना उसमें षटकोण के श का प्रयोग नहीं था।
उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा, इसलिए कह रहा हूं ठीक है। और मैंने तो इसमें यहाँ इस एक प्रक्रिया से बहुत सारी चीजें जागृत कर रखी है। क्या कह रहे हो? हमारे यहाँ पे मिट्टी का शिवलिंग बनाया था, तो उसकी रोज उसको जल चढ़ा के फिर वो उसका अलंकरण करते हैं इससे पारिजात के पुष्प से। तो उस समय नमः शिवाय का जाप करते हैं। जितने भी पुष्प पेड़ से गिरे हुए होते हैं उनमें से अच्छे अच्छे चुन लेते हैं और फिर उसको अलंकृत करते हैं। तो करीब 1,000 के करीब, 1 घंटा लगता है उसमें, 1,000 के करीब हो जाते हैं। तो उसमें श्रीम ह्रीम क्लीम ऐसे शिवोहम बोले या श्रीम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय बोले तो चलेगा? हाँ, मतलब इतना सारा उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं ना, एक श्रीम करना अपने आप में सफिशियंट है। ठीक है। एक श्रीम तो हम इस तरह से लिखते हैं, एक श्रीम हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, जो प्रोनंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। ये वाला नहीं दिख रहा, ये चीज स्क्रीन से बाहर हो गया। ये तीन तो दिख गए लेकिन वो वाला स्क्रीन से बाहर चला गया, ये अभी भी नहीं दिखा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे तीनों ही आ रहे हैं पूरे अच्छे। तो सह षटकोण वाले के नीचे लिखेंगे तो पूरा दिखेगा। इसके नीचे हाँ यहाँ इससे नीचे, यहाँ लिखे दिख रहा है यहाँ पे। ये है हमारा एक और तरीका श्रीम को लिखने का। ठीक है, इसी को ही अगर मैं तो ये सारे के सारे जो है इसके तरीके होते हैं ये श्रीम ही है सारा, सब उच्चारण श्रीम से सब। रहेगा। अगर हमारी प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी चीज उच्चारण से ही केवल संबंधित है तो ये सबका उच्चारण लगभग समान है। जी अगर मैं बोलूं और आपको लिखना हो तो आप ये जान नहीं सकते कि मैंने कौन से श्रीम को ध्यान करके बोला है और वो आपको लिखना है। और इनका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर अलग-अलग होता है। सबका अलग अलग है, हर अल्फाबेट एक अलग जगह से उच्चारण उसका होता है। लेकिन वो जो उच्चारण होता है वो तो आपने कहा लगभग सेम है, तो उच्चारण करते वक्त जो हम उच्चारण जिस में अल्फाबेट का ध्यान करते हैं उससे हाँ प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, विचार कहाँ पर है लक्षित उसका तो फर्क आता ही आता है, वो ठोस फर्क होता है। वो क्लास ले ही नहीं पा रहा था मैं, इसलिए आप करो। ओके नहीं ठीक है, मैं उनके कुछ बता रहा था बट पहले अगर आप एनर्जी ले रहे स्कैनिंग हैं तो वाला। थोड़ी देर बाद में। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर जी। तो सर आपने कभी एनर्जी एक्सपीरियंस किया है? हाँ जब गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते थे तो एक वो रेकी वाले आए थे, तो वो क्लास 5 या 7 दिन की क्लास थी, तो ओके मैं वो उस तरीके से करते थे। मैंने आपके पुराने वीडियो देखे हैं लेकिन वो सेंसिटाइजिंग जैसा जो है वो अभी भूल गया।
काफी दिन हो गए, करीब 17-18 साल हो कोई गए। कोई बात। उसके अलावा औरा देखना। नहीं, ओरा तो हमारे पास वो जीडीवी इंस्ट्रूमेंट है, तो जीडीवी इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, वैसे तो नहीं देखते। वैसे आइडिया जी नहीं है कि यहाँ से ओरा देखना है, ह्यूमन का ओरा उंगलियों से देखना वो आइडिया नहीं है। और जीडी कैसे? जीडीवी एक कैमरा है, डिवाइस है, वो मैंने शुक्ला जी को भी बताया था, उसमें वो फिंगर टिप डाल देते हैं आपका, कोई वीडियो उसमें हैदराबाद वाले उसे ही कर रहे हैं। ओके, स्पूतनिक हाँ और वो हाँ सब। वो स्पूतनिक, और वो यहाँ हमारे जो ट्रस्ट है उसके पास है वो, तो गार्डन उससे। कैमरा एंड ओके ओके ठीक है। हाँ जी, तो हम थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे। हम क्योंकि कभी कोई देख सकता होगा, इसलिए किसी का विचार हुआ कि जिसको ये प्रक्रिया नहीं भी पता वो वैसे भी देख पाए और एक्यूरेट देख पाए, जी इसलिए कुछ कुछ गैजेट्स, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स डेवलप हुई। जी तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अभ्यास चाहिए और थोड़ा सा कंटिन्यूएशन के साथ साथ में एक एक बिल्कुल एकाग्रचित होके हम इसको जी अटेम्प्ट करें ओरा को देखने का, तो दिख जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जी एनर्जी फीलिंग की बात है, वो भी इजी है, बट हम एनर्जी के साथ में ही रह रहे हैं हमेशा से, बट हमें कभी पता ही नहीं कि हम उसके साथ में रह रहे हैं। जी हमारा जानते हुए भी हम उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और जानकारी तो कई बारी होती भी नहीं है, किसी को भी नहीं होती। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, बहुत इजी है, आराम से कर पाएंगे। जी सिर्फ ये मानना है कि कर सकते हैं और वो अपने आप हो जाएगा। जी तो जैसे मैं कर रही हूँ आप प्लीज वैसे ही करें। मैं आपको पूरा यहाँ पे देख रही हूँ। विद द काउंट ऑफ 10 हर एक स्टेप को करें। हाँ, लेफ्ट हैंड के सेंटर में, पाम में, विद राइट थंब 10 टाइम्स, विद फिंगर इंडेक्स फिंगर 10 टाइम्स, विद मिडल फिंगर 10 टाइम्स, विद रिंग फिंगर 10 टाइम्स, विद लिटिल फिंगर 10 टाइम्स, चेंज। टेन टाइम्स विथ क्लोज आइज ट्राई टू फील वाइल कनेक्टिंग योर टंग टू योर पैलेट, तालू के साथ में जीभ को लगा के फील व्हाट एवर यू आर एबल टू ऑन योर हैंड्स, पाम्स, फिंगर टिप्स।
क्या फील कर पाए? कुछ है दोनों उसके बीच में, दोनों हथेलियों के बीच में कुछ है। पहली बात, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आई अंडरस्टैंड, पर मैंने आपको एनर्जी को फील करने के लिए कहा, आप वो क्या कर पा रहे हैं? क्या ऑब्जर्वेशन है? राहुल साकेत, यही के कुछ है हाथ के पास आसपास। नहीं, आपने टंग टंग टू पैलेट किया आपने, हाँ, वो किया हुआ है। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ हैंड्स, बी अवेयर ऑफ योर पाम्स, हैंड्स, फिंगर टिप्स, क्या सेंसेशन है वो जो आपको फील हो रही? कुछ गर्म गर्म जैसा लग रहा है, जैसे भाप उड़ती है ना, ऐसे कुछ निकल रहा है उसमें से। हाँ, और उसके अलावा एक तो ये लग रहा है, तो मैं अपने हाथों को ऐसे रखता हूँ तो कुछ निकल रहा है हाथ में से, और ऐसे करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ आ गया बीच में। फिर से एक बारी, थोड़ा 10 टाइम्स ऐसे करके सिर्फ हैंड्स को फील करेंगे बस। जी, मैडम ये गुज बम हो गया है, हाथ तो जैसे आगे आप से रहे, हाथ आंखें बंद आपको करते हैं तो हाथ ऐसा लगता है जैसे वो है ही नहीं, और उसके पीछे का हिस्सा यहाँ पे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा ही फील हो रहा है मुझे, शायद मैं बता नहीं पा रहा हूं, या ऐसा लगता है। एनर्जी क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी को फील करना, सबसे इम्पोर्टेंट। थोड़ा टाइम इसके साथ में रहना, मतलब एक ही क्लास में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह, जैसे पहले आपने बोला, एकदम से आपने एनर्जी को फील करा अपने बिटवीन हैंड्स, सबसे पहले उसका आपको वो किस तरह से पता चलता है उसका, बी अवेयर ऑफ दैट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। किसी को देखिए, गर्मी लगती है, किसी को ठंडक लगती है, किसी को स्वर्ल जैसा लगता है, किसी को गैसेस फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने टाइप के साथ में कैसे पता चल रही है एनर्जी का फील क्या है, कैसे बता रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, वो समझना जरूरी है। हर एक के टाइप में, हर एक, जैसे ब्लड सभी का लाल रंग का होता है, फिर भी ब्लड ग्रुप्स है, एनर्जी सबको पता चल जाएगी, लेकिन किस तरह से पता चल रही है? आवाज सभी की है, कोई कोई बोलता है, कोई जानवर चहचहाता है, मतलब पक्षी है तो चहचहाएगा, कुत्ता है तो उसको आप उसने उसके बोलने को भौंकना कहेंगे, बिल्ली का बोएगा तो म्यू कहेंगे, मतलब डिफरेंस है ना ये। तो लाइकवाइज आपको एनर्जी पता तो चल रही है, सभी को पता चलती है, फीलिंग क्या आ रही है, किस तरह से बता रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, वो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आगे जाके
बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर सिर्फ आपने अपने आप को महसूस करना है उस टाइम पे, हाउ यू आर फीलिंग इट, वो कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो कुछ निकल रहा है, जैसे भाप निकलती है इस तरह का, नहीं ऐसा। गुड, राइट, और अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ हाथ को, तो वो तुरंत एक ऐसे सर्कल सा गोला जैसा बन जाता है, जैसे कुछ है अंदर। गुड, ठीक है। ये जितना अच्छी तरह से आप इसको फील कर पाएंगे, जितना क्लियरली और फास्ट इसको फील कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा फर्दर स्कैनिंग में। सेकेंड, हम ऑरा की बात करते हैं। स्कैनिंग एंड ऑरा जो दोनों है वो साथ ही साथ बताते हैं। आप एक प्लेन शीट टेबल के ऊपर, टेबल पे बैठे हुए, टेबल टेबल हाँ है भाई, सामने, टेबल है टेबल का सामने, कलर क्या है? कोई लकड़ी जैसा जो रख होता है उसके ऊपर वो कर लेते आप हैं। इसके ऊपर एक व्हाइट शीट या टॉवल, व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट रख लें कुछ भी। पेपर प्लेन शीट व्हाइट, कुछ प्लेन व्हाइट हो, रूल्ड ना हो, मेरे को दिख नहीं रहा ये रूल्ड है कि नहीं। उसके ऊपर हाथ, वो अंगूठे को रख के ना, जैसे ये मेरा पेपर है और इसके ऊपर अंगूठे को ऐसे रख के आपने रूट ऑफ द नेल पे अपने ध्यान को रखना है। ठीक है, मैं 1 सेकंड रुको, मैं पेपर ले ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें पेपर वैसे लगा। 1 सेकंड रुको। ये वाइट पेपर बस इसको रख लीजिए और आपने इसको, राइट आराम से हैंड बस पे। ऐसे, नहीं, बिल्कुल सामने, मतलब पेपर बैकग्राउंड में होना चाहिए और उसके ऊपर थंब को रख के थोड़ा 1 आधे इंच दूर इस, नहीं, आप इतना वो मत करें। सपोज ये मेरा पेपर है और इसके ऊपर हाँ मैंने ऐसे ही रखा है, सिंपली ऐसे रखा, अच्छा, मतलब ये मैंने ये रखा है, सपोज ये पेपर है, ये मैंने इतना हाथ रखे, मैं कंफर्टेबली देख पानी चाहिए, थोड़ा दूर लिफ्ट करते हुए इसको। आप ना अंगूठे को मुट्ठी बनाइए, पहले थम्स अप करिए। हाँ, आप देखने की कोशिश कीजिए, कीपिंग द नेल वाला पोर्शन बिल्कुल पैरेलल टू योर योर आईज और दिस, बैकग्राउंड में सिर्फ व्हाइट होना चाहिए। ऐसे रख के। ओके, हाँ, ऐसे रखें। और टंग टंग टू सॉफ्ट पैलेट, प्लेट। नहीं, आप पहले जो है इसको विदाउट टंग टू पैलेट करके देखें, फिर टंग टू पैलेट करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आ। अब टंग लगाऊं ऊपर, अभी क्या ऑब्जर्वेशन अभी? तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो नेल के बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे जो एक वाइट जैसा ऐसे सर्कल है,
और जैसे पहले देख रहा था तब से वो पूरा क्लियर नहीं दिखता था, उसके बाद वो थोड़ा क्लियर दिखता है बस, और नेल के जो चमक है उसमें मेरा फोटो दिखता है, मेरा प्रतिबिंब दिखता है। जो नेल है, नेल के अंदर मेरा प्रतिबिंब दिखता है, उसकी चमक में मैं दिखता हूँ। मतलब फोटो दिख रही है आपकी, मतलब शीशे की तरह ये काम कर रहा है नेल, हाँ, नेल मेरा शीशे की तरह काम कर रहा है। नहीं मतलब नेल के ऊपर कुछ लगाया हुआ है आपने जो आपका आपको अपने आप को देख रहे हो आप? नहीं, मेरा वो ऐसे ही है। वो सुबह हवन करते हैं तो वो घी ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, वो है शायद वो होगा तो। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि मेरा नेल वो चमकदार रही है, जैसे वो नेल पेंट बिना कलर का लगा लेते हैं ना, ऐसा तो इतना तो है ही चमकदार। नहीं मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको अपनी मतलब नेल में अपने आप को रिफ्लेक्शन दिख रहा है ये, हाँ मतलब हाँ मैं अगर हाँ देखूंगी तो मेरे को भी दिख जाएगा या कि ये स्पेशल है कुछ? नहीं, बस वो मैं ही दिख रहा हूं उसमें, नेल में मैं ही नेल में दिख रहा हूं, यहाँ पे मैं ही दिख रहा हूं। पर ये सही ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपको क्या करना है? आपको ये इस तरह से नहीं कि आप दिखेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं आनी, तो रूट मुझे ऑफ द सम में आप अपने ध्यान को रखेंगे, रूट ऑफ द नेल में। हाँ, रूट ऑफ नेल में जब ध्यान रखता हूं तो रूट ऑफ नेल में ऐसे करके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऐसे करके जैसे मान लिया ये है देखना तो देखना ये। नहीं है अच्छा, उसको, ध्यान करना है। ध्यान करना। देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर लुकिंग एट द थिंग और यू आर गेटिंग लाइक सपोज, कई बार ऐसा होता है हम कहीं पे बहुत ध्यान पूर्वक कोई एक चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं,